आगरा ग्वालियर रोड पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब दुल्हन को विदा कर दूल्हा बारातियों के साथ अपने घर वापस आ रहा था, जहां टैंकर की चपेट में आने से दूल्हे की मौत हो गई। दरअसल घटना आगरा ग्वालियर पर थाना इरदात नगर क्षेत्र की है, जहां ईदगाह का रहने वाला बिमल गांव तेरहा से दुल्हन को विदा कराकर गाड़ी से वापस आ रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरसाना की लठमार होली देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस होली का आकर्षण इतना है कि संत मुनि और देवता भी इसे देखना पसंद करते हैं। फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे से देखे बिना रह सकते हैं, वो भी अपने मंत्रिमंडल सहयोगी सहित इस बार 24 फरवरी को श्री राधा रानी की जन्मस्थल बरसाना लठमार होली खेलने के लिए आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्यनाथ जी अपने साथ में एक नहीं तीन तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ, तो हमारे लिए गौरव का विषय है। और इस विषय को लेकर के हम सभी बरसाना वासियों के हृदय में एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। कस्बा बरसाना के अंतर्गत गलियों में यहाँ के रूफ टॉप ये सब व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था है। दूसरी वीवीआईपी स्थानों पर जहां पर कार्यक्रम होने हैं वहां की अलग से व्यवस्था की जा रही है। बदजुमानी संस्कृति की कोई नई बात नहीं है और इस बार इसके शिकार हुए हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ ये बदजुबानी उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने की है। पीएनबी घोटाले पर राहुल गांधी के खड़े करने सवाल से आहत बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी की तुलना कुत्ते से की है। सत्ताधारी पार्टी के सांसद बृजभूषण ने कहा कि राहुल को बोलने का अधिकार नहीं है, कुत्ते भौंकते रहते और हाथी मस्त चाल चलता रहता। आगरा में लगने वाले ताज महोत्सव के दूसरे दिन मशहूर लोक गायक मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। मालिनी अवस्थी ने अपनी सुरीली आवाज में तमाम लोक गीत प्रस्तुत किए। गीत के दौरान मंच पर जमकर नृत्य भी किया गया। मालिनी अवस्थी की आवाज सुनने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे। इतिहास रचने के लिए तैयार हैं टाइगर श्रॉफ। फिल्म बागी 2 के निर्माता ने मुंबई के रेस कोर्स में अलग तरीके से फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने की योजना बनाई है। फिल्म की जोड़ी टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी 21 फरवरी को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में हेलीकॉप्टर से लैंड करके ट्रेलर लॉन्च करेंगे। उन्नाव में हादसे का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह ताजा मामला मौरावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर मौरावा से अकरोही आ रहे एक ट्रैक्टर से बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिससे मौके पर दो युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पानी पलट गई मोटरसाइकिल सवार के ऊपर, इसमें दो तो हमारे पास मृत अवस्था में लाए गए थे और दो घायल अवस्था में लाए थे, जिनके काफी फ्रैक्चर थे। उनका यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट और इसे बेहतर करने के बाद इसलिए तो भैया ये स्थिति थी कि जब हम लोग निकले हैं बाहर तो दो लोग तो मरणासन्न हालत में थे, एक तो दबा हुआ था, एक तो मरने की कगार पे था, दो लोग सड़क में पड़े थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री सचिव के साथ बदसलूकी की। इस घटना के विरोध में दिल्ली के अफसर हड़ताल पर चले गए हैं। मुख्य सचिव के आरोपों को दिल्ली सरकार ने बेबुनियाद बताते हुए उन पर उपराज्यपाल के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के अफसरों ने कहा कि वह हड़ताल पर नहीं है, बल्कि वह दफ्तर जाएंगे लेकिन काम नहीं करें। उनकी मांग है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगते और मुख्य सचिव माफ नहीं कर देते, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे और काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मैट्रिक छात्रावास में एक 10वीं की छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मौत का कारण अभी पता नहीं चला, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच के पूरी घटना की जांच में जुटी है। पीएनबी महाघोटाले के बाद एक दूसरे घोटाले का खुलासा हुआ है। रोटोमैन पेंट किंग नाम से कंपनी लगभग 37 अरब का घोटाला किया है। आपको बता दें कि यह कंपनी कानपुर से चलती थी। वहीं कानपुर में कंपनी के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और कंपनी का मालिक विक्रम कोठारी पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद में एक अतिथि शिक्षिका को नकाबपोश बाइक सवारों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये महिला हरसूद पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर थी और खंडवा हरसूद में पढ़ाने जाती थी। आपको बता दें कुछ साल पहले इसकी शादी एक सेना के जवान के साथ हुई थी।
वहीं परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वो इतने बाइक इधर गया, हम देख ही नहीं पाए। और उसने आके हेलो कीर्ति मैडम बोला और कहा करके गिरी और गोली मारी। और हम सब करते रहे क्या करो क्या करो। कितने लोग थे वो टोटल? एक अकेला था बाइक।